हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि। तो जैसे कि दिल्ली में सर्दी बहुत बढ़ गई है, और जब भी बाहर निकले तो अपना ख्याल जरूर रखिएगा। कैप, सॉक्स या गर्म कपड़े पूरा फुल पहन के निकलिएगा। तो आज मैं आप लोगों से खुशबू नर्सरी शेयर करूँगी। बहुत दिनों बाद ये नर्सरी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे बोला था कि मैम पॉट स्टैंड वगैरह कवर कीजिएगा। तो पॉट स्टैंड मैं देखने के लिए चले गई, तो सोचा क्यों ना इनके यहाँ जो भी प्लांट है मैं कवर कर दूँ। तो बहुत खूबसूरत कलेक्शन है, पॉट स्टैंड भी बहुत सारे इनके यहाँ रखे हुए हैं, जो कि मैं आगे आप लोगों से इसके दाम के साथ शेयर करूँगी। ये जस्ट कमलेश नर्सरी के बगल में है। पहले प्रिया नर्सरी है, फिर कमलेश नर्सरी है, फिर ये खुशबू नर्सरी है, उसके बाद इसके नर्सरी है। बहुत सुंदर कलेक्शन है। और इनके यहाँ इंडोर प्लांट हो, सकुलेंट हो या गुलदावरी हो, विंटर फ्लावरिंग प्लांट हो, अच्छा कलेक्शन है। कुछ तो पॉट में लगे हुए हैं और कुछ ऐसे पॉली बैग में लगे हुए हैं। और सेरेमिक पॉट का इनके यहाँ बहुत ह्यूज कलेक्शन है, और कहा जाए तो एक से बढ़ के एक खूबसूरत डिजाइन में सेरेमिक पॉट है। तो वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इनके यहाँ बहुत खूबसूरत कलेक्शन है, मैं दाम के साथ शेयर कर दूँगी। कुछ इंडोर प्लांट, कुछ परमानेंट प्लांट और सीजनल प्लांट तो मैं शेयर करूँगी ही करूँगी कि कौन कौन से हैं, उसके क्या प्राइस है। और ये देखिए केल है, जो कि पॉट में लगा हुआ है। पॉली बैग वाला आपको यहाँ से 20 रुपीज़ में मिल जाएगा। और ये स्टैंड देख रहे हैं, 3 स्टेप वाले आपको 1800 में मिलेंगे, यानी 1800 में। ऐसे ऐसे आपको सिंगल वाले और डबल स्टेप वाले मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टैंड हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। कलर भी है, कुछ कलर करके है, कुछ ऐसे भी है, तो कलर भी करवा सकते हैं। तो वहाँ जाके स्टैंड देख सकते हैं। बहुत तरह के, बहुत डिजाइन में आपको यहाँ पॉट स्टैंड मिल जाएंगे। ये डहेलिया है, डहेलिया पॉली बैग वाला आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएगा। बहुत सारे कलर में आपको डहेलिया आपको मिल जाएगा। बहुत सारे कुछ परमानेंट प्लांट भी इनके पास बहुत सारे, जैसे टिकोमा हुआ, हिबिस्कस हुआ, चांदनी हुआ, मधुकामनी हुआ, बहुत सारे आपको 100 रुपीज़ के बीच में मिल जाएंगे। गुलदावरी का तो बहुत सुंदर कलेक्शन है, देखिए रेड में के बीच में येलो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इनके यहाँ 150 से लेके 30 रुपीज़, 20 रुपीज़ से स्टार्ट है गुलदावरी। और देखिए ये कितना खूबसूरत ये कलर है। तो ये कलर मैंने और किसी नर्सरी में नहीं देखा, बहुत खूबसूरत। और भी आगे मैं शेयर कर दूँगी गुलदावरी के बहुत खूबसूरत बड़े वाले साइज, पम पम साइड साइज वाले बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। और बिगोनिया है, बिगोनिया भी आपको यहाँ कुछ पॉट में, कुछ पॉली बैग में लगा हुआ मिल जाएगा। और देखिए कितना खूबसूरत ये 60 रुपीज़ में है, करोटन की वेराइटी, काफ़ी हेल्दी प्लांट है, कलकत्ते वाली ये वेराइटी है। तो इंडोर प्लांट की आपकी काफ़ी अच्छी वेराइटी मिल जाएगी, कलकत्ते वाली बहुत सारी इंडोर प्लांट की वेराइटी आई हुई है, और करोटन की बहुत सारी वेराइटी आपको मिल जाएगी। और ये गोल्डन डस्ट करोटन है, ये आपको 60 रुपीज़ में मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी ग्रोथ है कॉरोटन की। और ये काली मिट्टी में लगी हुई कुछ सीडलिंग देखिए, ये एक लोनीमा की है, और ये 50 रुपीज़ वाले हैं, अब थोड़े ही बचे हुए हैं। और ये रबर प्लांट है, जो कि छोटे से पॉट में लगा हुआ, ये 100 रुपीज़ में है। और ये कुछ इनके सकुलेंट रखे हुए हैं, कुछ हवतिया है, कुछ सकुलेंट की वेराइटी है। पॉली बैग वाला आपको यहाँ 50 रुपीज़ में मिल जाएगा, और जो आपको पॉट में है वो 150 से लेके 100 रुपीज़ के बीच में मिल जाएगा। तो बहुत खूबसूरत सकुलेंट का कलेक्शन है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और देखिए ये सारी इनके जो इंडोर प्लांट है, ये 150 में है, ये आपको कलकत्ते वाली वेराइटी छोटे से पॉली बैग में मिल जाएगी। ये अभी एक ड्रेसिना की वेराइटी है, डेफिन बेकिया है, डेफिन बेकिया ये 100 रुपीज़ में मिल जाएंगे। और ये एग्लोनीमा की वेराइटी है, 200 में है। तो आप अंदर जाके देखिएगा, बहुत सारी कलकत्ते वाली वेराइटी रखी हुई है। बिल्कुल रोड के किनारे है, कमलेश नर्सरी के बगल में। देखिए ये सारे 50 रुपीज़ वाले डहेलिया हैं, जो कि पॉली बैग में लगे हुए हैं। काफ़ी खूबसूरत कलेक्शन है। और आपको यहाँ बोगनवेलिया के भी बहुत सुंदर कलेक्शन मिल जाएंगे, छोटे से पॉली बैग में लगा हुआ है, कलकत्ते वाली वेराइटी है। ये आपको यहाँ 70 रुपीज़ में मिल जाएगा। 5-6 कलर में आपको गुलदावरी के मिल जाएंगे, ऑरेंज, वाइट, पिंक डबल शेड में। तो और पुरानी ब्रांचेज वाले हैं, तो यहाँ आपको बोगनवेलिया की भी बहुत अच्छी वेराइटी मिल जाएगी। अब मार्च से इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी, कहा जैसे समर का बहुत ही खूबसूरत हार्डी परमानेंट प्लांट है बोगनवेलिया। तो बहुत हार्डी खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है बोगनवेलिया।
और इधर इनके डहेलिया लगे हुए हैं पॉट में, मिट्टी के पॉट में लगे हुए हैं। इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, देखिए दूर से ही वाइट कलर का डहेलिया कितना खूबसूरत लग रहा है, और स्टिक के साथ लगा हुआ काफ़ी बुशी हेल्दी प्लांट है। और ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आपको सारे मिल जाएंगे, चाहे वो पॉली बैग में हो या मिट्टी के पॉट में है, कलर की कमी नहीं है, एक से बढ़ के एक कलर है। प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है डहेलिया की, और वर्ड्स के साथ भरे कहा जाए तो लगा लगाया हुआ प्लांट है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये खाद वाद सब लगा के स्टिक विस्टिक लगा के रखे हुए, और इसकी प्राइस 200 है। और इधर देखिए बहुत सारा सेरेमिक पॉट का कलेक्शन रखा हुआ है, इनकी स्टार्टिंग मेरे ख्याल से 70 रुपीज़ से स्टार्ट है, और देख ही सकते हैं क्यूट क्यूट से प्लांटर है, तो बहुत सुंदर लगता है ये। और ये 100 रुपीज़ का ये डक प्लांटर, वैसे इनकी स्टार्टिंग तो ऐसे 70 रुपीज़ से है, 50, 70, 60 ऐसे है जैसे पॉट है उसी पर इसकी प्राइस है। देख ही सकते हैं कि पूरा सेरेमिक पॉट का ह्यूज कलेक्शन है, बहुत खूबसूरत कलेक्शन है। और यहाँ से आप गुलदाबदी ज़रूर ले जाइएगा, ये शायद पॉट वाला 150 में है, और जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि इनकी सबसे जो पॉली बैग में वो 30 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। और सस्ते का सबसे खूबसूरत कलरफुल अगर प्लांट कहा जाए तो ये कोलियस है, ये आपको 20 रुपीज़ में 5-6 कलर में मिल जाएंगे। बहुत खूबसूरत है, इजी टू ग्रो प्लांट है, कटिंग से भी इजी से लग जाता है। और इधर पेंटास है, पेंटास भी कहा जाए तो ये परमानेंट प्लांट है, कटिंग से बीजों से भी ग्रो हो जाता है, और ये नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा हुआ है। बहुत सारे कलर आपको इसमें मिल जाएंगे, पिंक है, रेड है, वाइट है, लाइट पिंक है, मजंडा कलर में है, प्लांट काफ़ी बुशी है, और ये 100 रुपीज़ में ले जा सकते हैं, और प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। इधर केल सारे पॉट में लगे हुए हैं, तो पॉट के प्राइस अलग है। देखिए मुरैया है या मधुकामनी है जो कि 100 रुपीज़ में ले जा सकते हैं, कहा जाए तो ये बहुत ही सालों भर इसमें फ्लावर आते ही रहते हैं, बहुत अच्छी खुशबू होती है, सालों भर फ्लावर आते हैं, परमानेंट प्लांट है। और इधर नींबू का प्लांट है, लेबन प्लांट है, जो कि आप यहाँ से 150 में ले जा सकते हैं, तो काफ़ी हेल्दी प्लांट है नींबू का भी, और देख ही सकते हैं सारे में फ्रूटिंग आ रखी है, तो 150 में आप इसको यहाँ से ले जा सकते हैं। और पिटूनिया भी आपको यहाँ पॉली बैग में और पॉट में मिल जाएंगे, जो पॉली बैग में है वो 20 रुपीज़ का है, और जो पॉट में है आप उनसे दाम पूछ लीजिएगा। पिटूनिया में डबल सिंगल स्टार पिटूनिया आपको सारे मिल जाएंगे, और सीजनल प्लांट इनके यहाँ सारे मिल जाएंगे। और देख ही सकते हैं कि इनके यहाँ आपको प्लास्टिक के हैंगिंग पॉट वगैरह भी मिल जाएंगे, और कलेक्शन का कोई कमी नहीं है। और ये देखिए इधर ये जो टेबल कामनी होता है वो 250 से लेकर 300 के बीच में आपको छोटे बड़े पॉट में ये लगाया हुआ मिल जाएगा, काफ़ी खूबसूरत, इसी तरह राउंड शेप में रहता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो ये आप बड़े वाला आप 350 में, छोटे वाला 250 में आपको ये मिल जाएगा, और काफ़ी बुशी प्लांट है। ये भी कलकत्ते वाली ही वेराइटी है, कलकत्ते से आई हुई है, तो कलकत्ते वाले इनके पास इंडोर प्लांट की काफ़ी वेराइटी है। इधर ये प्राइम रोज है, एलाइसम है, बहुत सारा आपको विंटर फ्लावरिंग प्लांट मिल जाएंगे। और इधर कैनुलुला है, डॉग फ्लावर है, बर्मीना है, ये सब पॉली बैग में आपको 20-20 रुपीज़ में मिल जाएंगे, जैसे कि सीजनल प्लांट के दाम 20 रुपीज़, इन्होंने बताया कि सीजनल प्लांट इनके सारे 20 रुपीज़ में है। और प्राइम रोज वगैरह तो पूछ लीजिएगा क्या प्राइस है। देखिए इधर कलर किया हुआ स्टैंड है, कितना खूबसूरत लग रहा है, तो स्टैंड का भी काफ़ी खूबसूरत है। ये दिसंबर लेडी है, काफ़ी खुशबू होती है, सुंदर प्लांट है, और इसी समय इसके पत्तियाँ चेंज हो जाते हैं, और ये वाइट पोनसेटिया भी बोलते हैं इसे, स्नो पोनसेटिया भी बोलते हैं, और ये परमानेंट प्लांट है। और जो रेड वाला पोनसेटिया से इस पोनसेटिया को केयर करना काफ़ी ईजी रहता है, काफ़ी खूबसूरत प्लांट है ये। देख ही सकते हैं कि बिल्कुल रोड के किनारे ये नर्सरी है, यानी पार्किंग में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, जस्ट कमलेश नर्सरी के बगल में ही है, पहले प्रिया है, कमलेश है, फिर खुशबू, फिर इसके, तो अच्छा कलेक्शन है इनके पास भी, देख ही सकते हैं, और पूरा इन्होंने विंटर फ्लावरिंग प्लांट से भरा हुआ है। और ये क्रिसमस ट्री है, और ये भी बहुत खूबसूरत लगता है, और देख ही सकते हैं इधर भी बहुत सारा कलेक्शन है, और ये आप 150 में ले जा सकते हैं, महीनों महीनों आप इसको रूम में रख सकते हैं, वीकली सप्ताह में एक बार धूप दिखा दीजिएगा, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट हो, इंडोर प्लांट हो, थोड़ा बहुत धूप तो चाहिए चाहिए। और ये पॉट में लगा हुआ गुलदाबदी के कुछ आपको दिखा देती हूँ, कुछ कलर 70 जो कि आप यहाँ से ले जा सकते हैं, पॉट में लगाया हुआ है गुलदाबदी के, इनके पास बहुत सुंदर कलेक्शन है। और इधर नस्टेशियम पॉट में कुछ लगा रखे हैं, कुछ पॉली बैग में है, तो पॉली बैग वाला आप यहाँ से
₹20 में ले जा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट का बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, ₹30 वाले। यहाँ बहुत सारे गुलदाबदी ऐसे रखे हुए हैं, कलर में दिखा देती हूँ, बहुत सारे कलर, प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो ₹30 में अगर आपके पास ये कलर नहीं है तो ले जा सकते हैं और अपने गार्डन में ऐड कर सकते। देखिए ये बड़ा साइज वाला येल्लो है, पम पम वाले वेराइटी है, और ये बहुत सुंदर, देखिए ये भी बड़े साइज वाला गुलदाबदी है। तो गुलदाबदी के बहुत सारे ₹30 में आपको कलर वेराइटी मिल जाएंगे, जो कि पीछे के साइड में रखे हुए, आप इनसे पूछ लीजिएगा कि ₹30 वाली का कौन से है। इधर सारे ये डॉग फ्लावर है, और कुछ इनके गजेनिया हैं, कैनेंडूला है, लाइन से इन्होंने सारे सीजनल प्लांट इधर भी रखे हुए हैं। तो सीजनल प्लांट की जो भी ग्रोथ है काफ़ी अच्छी है। और देखिए जेब्रिना हॉली हक्स बहुत खूबसूरत लगता है, बीज भी इसमें बनते हैं, और ये आप पॉली बैग में और पॉट में इन्होंने लगा रखे हैं। पॉट वाला ये ₹70 में है, और देख ही सकते हैं बहुत सुंदर ये इसके फ्लावर आते हैं। ये हॉली हक्स, जेब्रिना हॉली हक्स बहुत खूबसूरत लगता है, ये भी लास्ट अप्रैल तक चलता है, स्टिक में से इसमें फ्लावर आते हैं। और देखिए ये स्पाइडर गुलदाबदी है, बहुत खूबसूरत ये लगता है। तो ये मेरे पास नहीं है, तो देख के बहुत लालच आता है जो चीज़ हमारे पास नहीं हो, तो मैंने कहा कि जब ये आप फेंकने लगिएगा तो मुझे दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में ये ख़राब हो जाते हैं, तो ये कम दाम में दे देते हैं। ऐसे ये पॉट में 150 में था, और बहुत खूबसूरत ये लग रहा था। ये मेरे पास नहीं है, ये स्पाइडर वाला जो वेराइटी होता है, पम पम वाला भी ये नहीं है। तो जब ये सीज़न ख़त्म हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, आप लोग भी ले जाइएगा। तो बहुत खूबसूरत कलेक्शन है, आप जैसा दाम रहता है मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो होप मेरी शेयरिंग पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।